ढाबा चिकन बनाते हैं आज। ढाबे में बनने वाला चिकन बेसिक टमाटर प्याज की ग्रेवी के साथ बनता है, जिसके लिए हमने थोड़े से हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का नमक और कुकिंग ऑयल के साथ एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे, जिसमें हम अपने चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। थोड़े से लहसुन अदरक मिर्च को चॉप कर लेते हैं और सील बट्टे में डाल के उसको नमक और कुकिंग ऑयल के साथ एक फाइन सा पेस्ट तैयार करते हैं कूट के। एक से डेढ़ चम्मच आधा किलो चिकन में डाल के पेस्ट को अच्छे से मिलाएं और 15 से 20 मिनट के लिए उसे मैरिनेट होने के लिए रख दें। एक कप टमाटर की प्यूरी तैयार करनी है, फ्रेश टमाटर की। थोड़े से प्याज चॉप करेंगे एक कप के करीब। बारीक बारीक प्याज को काट लें। गैस को ऑन कर देते हैं। थोड़े से मसाले तैयार करेंगे, जो ढाबा चिकन के लिए मसाला तैयार होता है उसमें बेसिकली मेन इंग्रेडिएंट बड़ी इलायची और छोटी इलायची होती है। इन सब खड़े मसालों को हल्का सा नमक डाल के और ड्राई रोस्ट करेंगे। नमक डालने से मसालों की जो नमी है वो नमक में जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाएगी। बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, जलाएंगे नहीं मसालों को, धुआं नहीं निकलना चाहिए मसालों से। हल्का सा ड्राई रोस्ट करें, उसके बाद इसको ठंडा करें और ग्राइंडर में डाल के एक बारीक सा पाउडर तैयार करें मसालों का। कढ़ाई में हम एक टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालते हैं, तेल को गर्म होने देते हैं और एक टेबल स्पून जीरा इसमें चटकाएंगे। जब जीरा चटकने लगे इसमें हम अपने कटे हुए प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छा जब गोल्डन ब्राउन कलर आने लगे तब तक भूनेंगे। एक बड़ी इलायची डाल देते हैं प्याज के साथ। प्याज में कलर हल्का ब्राउन गोल्डन ब्राउन आने लगा है, इसमें एक टेबल स्पून हल्दी, एक टेबल स्पून मिर्च और एक टेबल स्पून से थोड़ा सा कम हल्दी मिलाएंगे और इन मसालों को अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए प्याज के साथ भूनेंगे। हल्की आंच पे धीरे धीरे भूनते रहें। प्याज हमारा लगभग लगभग भून गया है इन मसालों के साथ। अब इसमें अपना मैरिनेटेड चिकन मिलाते हैं और चिकन को प्याज के साथ लगभग 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में स्टर करते रहें। ढाबा चिकन का स्वाद एक अलग स्वाद होता है, जो घर के चिकन में वो स्वाद नहीं आ पाता है। आज हम उस स्वाद को अपने घर में ले आएंगे। चिकन लगभग लगभग प्याज के साथ भून गया है, प्याज भी गलने को आ गई है धीरे धीरे। हल्की आंच पर भुने चिकन को अब इसमें फ्रेश टमाटर की प्यूरी 1 कप के करीब मिला देते हैं और टमाटर के साथ इस चिकन को अच्छे से पकाते हैं। अच्छा कर लाल रंग आता है इस ग्रेवी का, टमाटर और कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से। स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। टमाटर धीरे धीरे गल रहा है, पानी छोड़ दिया है टमाटर में। इसको ढक्कन लगाते हैं और टमाटर के साथ 8 से 10 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से भूनेंगे। चिकन लगभग लगभग पकने को तैयार है। थोड़ा सा इसमें आधा कप के करीब पानी डाल के ग्रेवी को एडजस्ट करेंगे।
और चिकन को पकने देंगे। चिकन पकने में 12 से 15 मिनट का समय लेता है। जो मसाला हमने बनाया था भून के ग्राइंडर में ग्राइंड करके, लगभग 1.5 टेबल स्पून के करीब मसाला ऐड करेंगे। हल्का सा नमक स्वाद के अनुसार और चिकन को हल्की आंच पे सिमर होने दें। चिकन अच्छे से पक जाएगा एकदम। अब तैयार है अपना ढाबा स्टाइल चिकन। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किट्टू टिफिन चैनल। थैंक यू। अपने चिकन को सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और थोड़े से हरे धनिया के साथ इसको फिनिश करेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ग्रेवी डाल लेते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, लेमन के टुकड़े और थोड़े से जिंजर जूलियन के साथ इसको फिनिश करेंगे। तैयार है ढाबा स्टाइल चिकन। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किट्टू टिफिन यूट्यूब चैनल। Thank you for watching.